ड्रमस्टिक बिरयानी की रेसिपी तैयार कर रहे हैं। इसको नोट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसको तैयार करने के लिए आपको जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसको नोट कर लें। सबसे पहले आपने इसमें 2 kg ड्रमस्टिक्स लेनी है। ये देखें, ड्रमस्टिक्स लेनी है आपने 2 kg। इस तरह से आपने ड्रमस्टिक्स ले लेनी है। साथ ही आपने इसमें 1 tablespoon कुटा हुआ लहसुन अदरक शामिल कर देना है। हम आपको इसकी मैरिनेशन बता रहे हैं, आपने मैरिनेशन किन चीज़ों से करनी है। 2 tablespoon आपने इसमें लाल मिर्च पाउडर को शामिल कर देना है। हसबे ज़रूरत आपने इसमें नमक शामिल कर देना है। इस तरह से नमक शामिल कर देना। 1 teaspoon इसमें हल्दी शामिल कर देंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से आपने चिकन की मैरिनेशन करनी है और आपने इसको आधे घंटे एक घंटे के लिए रख देना ताकि जो मसाला है वो अच्छे तरीके से चिकन में रस जाए। इस तरह से आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। अब हम बिरयानी का मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए आपने पतीला लेना है, उसमें आपने 1 cup घी को शामिल कर देना भर के। ये देखें, जैसे घी गर्म हो गया हम इसमें 4 अदद प्याज स्लाइस में कटे हुए शामिल कर देंगे बड़े प्याज, और इनको फ्राई करेंगे प्याज को। ये देखें, इस तरह से जब प्याज फ्राई हो जाएगी अब हम इसमें हल्दी और धनिया शामिल कर देंगे। 3 से 4 अदद हरी मिर्च आपने शामिल कर देनी है लंबी लंबी काट के इस तरह से। साथ ही आपने इसमें पुदीना शामिल कर देना है। 1 tablespoon इसमें पिसा हुआ गर्म मसाला डाल देना है। साथ ही जो ड्रमस्टिक हमने मैरिनेट की थी वो इसको शामिल कर देंगे इसमें। अब इसको 20 मिनट तक हम पकाएंगे ताकि जो ड्रमस्टिक है वो गल जाए। ये देखिए, इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना। अब आपने इसको कवर करके रख देना 20 मिनट्स के लिए ताकि जो ड्रमस्टिक्स हैं वो गल जाए। ये देखें, 20 मिनट्स के लिए हमने इसको कवर करके रख दिया था। अब ये बिल्कुल तैयार है। ये देखें, इतना लिक्विड ही आपने रखना है, इसको ड्राई नहीं करना। साथ ही आपने 1 अदद प्याज देना है, उसको ब्राउन करना है और उसके ऊपर शामिल कर देना है। ये देखें, 1 अदद ब्राउन प्याज आपने इसके ऊपर डाल देना है। हसबे ज़रूरत आपने पुदीना इसके ऊपर डाल देना है। हसबे ज़रूरत धनिया डाल देना है। साथ ही आपने इसमें बॉइल्ड राइस शामिल कर देना है। 4 glass आपने चावल लेने हैं, उनको भिगो देना आपने 1 घंटे के लिए, और इनको सिंपल बॉईल कर लेना पानी में डाल के बस, और कुछ भी नहीं शामिल करना। इस तरह से आपने राइस शामिल कर देना है। 1 tablespoon आपने इसमें ऑयल को शामिल कर देना है इस तरह से। 1/4 cup आपने इसमें पानी को शामिल कर देना है। फूड कलर शामिल कर देना आपने पानी में भिगो के इस तरह से। इस तरह से आपने फूड कलर डाल देना है। 1/2 teaspoon आपने फूड कलर लेना है, उसको पानी में भिगो के शामिल कर देना है। अब हम इसको 15 मिनट्स के लिए कवर करके रख देंगे ताकि इसको अच्छा सा दम आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इस तरह से आपने दम लगा लेना बिरयानी को। ये देखें, अब हम आपको मिक्स करके भी दिखाएंगे। ये देखें, इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है कॉर्नर से इस तरह से। ये देखें, इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है। अब ये बिल्कुल तैयार है, हम इसको सर्व करेंगे। ये देखें, इस तरह से आपने इसकी सर्विंग करनी है। ये देखें, कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। कलर्स देखें, कितने खूबसूरत आए हैं। इस तरह से आपने तैयार करनी है। ड्रमस्टिक बिरयानी हमने आज आपके लिए तैयार की है। ये देखें, ज़बरदस्त, ये देखें कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। ये देखें, इस तरह से आपने ड्रमस्टिक बिरयानी की रेसिपी तैयार करनी है। इतनी आसान, इतनी सिंपल, मिनटों में तैयार हो जाएगी। इस तरह से आपने ड्रमस्टिक बिरयानी घर में तैयार करनी है। ये देखें, कितनी ज़बरदस्त, कितने खिले खिले चावल तैयार हुए हैं। और ये देखें कि हमारी जो ड्रमस्टिक है वो भी नहीं टूटी। ये देखें, इस तरह से आपने इसको घर में ज़रूर तैयार करना है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, दावतों में ट्राई करें, घर में आप लोग इसको ट्राई करें, अपने घर वालों को बना के खिलाएं। घर की साफ़ सुथरी ड्रमस्टिक बिरयानी आप घर में तैयार करें। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ड्रमस्टिक बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट टाइम हम और मज़ीद मज़ेदार रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।